दोस्तों स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। टेस्ट नंबर 9 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे, आज 41 से 80 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ी है, आप वहाँ से ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी होगी। चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। चलिए 41 शुरू करते हैं। 41 में निम्नलिखित में से कौन सा मानव पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्शंस में जो भी चार ऑर्गन दिए हुए हैं, कौन सा हिस्सा जो है जो फूड के डाइजेस्ट करने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। आसान सा क्वेश्चन है। देखो पहला भोजन नलिका, देखो डाइजेशन के बारे में आपको पता होगा कि आप जैसे ही खाने का वाइट माउथ के अंदर रखते हैं और आपका डाइजेशन स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। मुँह के अंदर सलाइवा के माध्यम से डाइजेस्ट होता है। अब बताइए सलाइवा में कौन कौन से डाइजेस्टिव फ्लूड होते हैं जो डाइजेस्ट का काम करते हैं, बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। पहला ऑप्शन है भोजन नलिका, भोजन नलिका का पार्टिसिपेशन रहता है डाइजेशन में, ठीक है। पैनक्रियाज का आपको पता होगा, ये भी डाइजेस्टिव फ्लूड सीक्रेट करता है। रेक्टम में भी खाना क्या पचता है, यानी भोजन नलिका में भी पच रहा है खाना, रेक्टम में भी पच रहा है और पैनक्रियाज में भी पच रहा है, ठीक है। तिल्ली जो है, तिल्ली डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता। तिल्ली को क्या बोलते हैं बताइए, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तिल्ली को ब्लड बैंक भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लड बैंक, बॉडी का ब्लड बैंक कौन सा है, तिल्ली, ठीक है। तो आंसर तिल्ली है, आंसर तिल्ली है जो पार्टिसिपेट नहीं करता है डाइजेशन में। अग्नाशय से एक हार्मोन एक सीक्रेट होता है, स्त्रावित होता है, उसका नाम बताएंगे, इंसुलिन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन, इंसुलिन का काम आप लोग जानते होंगे, ये ब्लड में शर्करा की मात्रा को बढ़ने नहीं देता है, कंट्रोल में रखता है। यदि आपके ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, आप डायबिटिक हो जाएंगे, ठीक है, डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे, डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे। तो इंसुलिन का सीक्रेट होना बहुत ज़रूरी है बॉडी में, ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, इसके डिस्कवरर कौन थे, जल्दी से बताइए। एफ फ्रेडरिक जी बेंटिंग, पढ़ा है ना, ये तो फैक्ट है, हम लोग कई बार पढ़े हैं, जी बेंटिंग, याद रखना इनका भी नाम। चलिए आंसर 42 को जी, 42 है मौद्रिक नीति के साधन, यानी ये मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं आरबीआई जो यूज करती है, ठीक है, आरबीआई यूज करती है इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, वो कौन कौन से टूल्स हैं इन्होंने पूछा है। इन टूल्स का मतलब ये है कि देखो मार्केट में क्या है, मार्केट में पैसा कितना आ रहा, कितना बाहर जा रहा, ये इन टूल्स के माध्यम से डिसाइड होता है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लें, मार्केट के अंदर यदि पैसा का आपको इनफ्लो कराना है, पैसा आपको डालना है मार्केट में, ठीक है, तो आरबीआई मार्केट में पैसा सप्लाई करने के लिए अलग तरह के टूल्स यूज करती है, ठीक है, और मार्केट से यदि पैसा निकालना है तो इनके अलग तरह के टूल्स होते हैं आरबीआई जो यूज करती है। ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मार्केट में यदि पैसा इनफ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा आ गया, तो इसको लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गई मार्केट में, ऐसा बोला जाता है कि लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई है। जैसे हमें एक छोटा सा एग्जांपल है, ये मार्केट है, ठीक है, मार्केट में पैसा, मार्केट को जितने पैसे की ज़रूरत है और उतना पैसा मार्केट के अंदर नहीं है, तो क्या होगा, मार्केट के अंदर पैसा नहीं है इसका मतलब है लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है, और लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है, घटोत्तरी हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं कुछ। अब दूसरा तरीके से सोचें, जैसे मार्केट को जितने पैसे की ज़रूरत है उससे ज़्यादा पैसा आ जाए मार्केट के अंदर, तब क्या होगा, तब क्या स्थिति होगी, ये इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो रहा है, ये तो तब की स्थिति है जब पैसा मार्केट में नहीं है, पैसा कम है, ये जितनी ज़रूरत है उतना मार्केट में पैसा नहीं है। दूसरा केस है जब मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ जाए, तब क्या होगा, तब बड़े लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब लोग जो हैं वो बहुत सफ़र कर जाएंगे, क्योंकि जब सबके पास पैसा आ जाएगा, सबके पास का मतलब गरीब के पास कभी नहीं आता, मार्केट में जब पैसा भर के रहेगा ना तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, ठीक है, गुड्स क्या हो जाएंगे, गुड्स बहुत महंगे हो जाएंगे, जब चीज़ें वस्तुएँ महंगी हो जाएंगी तो फिर गरीब को खरीद पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये चीज़ कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी होता है आरबीआई को, कि पैसा कितना मार्केट में है, कि जितना ज़रूरत है उतना ही है, कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं है, कहीं उससे कम तो नहीं है, तो इन सब टूल्स का वो यूज करती रहती है, ठीक है। और वो टूल्स कौन कौन से हैं हम आपको दिखा देते हैं, आप कई बार पढ़ते भी रहते होंगे उनको, ये देखिए ये टूल्स हैं। देखो दो तरीके के टूल्स यूज करती है आरबीआई, एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स और दूसरे हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। जैसे आपने बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, इसको ओएमओ बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो जैसे सीआरआर पढ़ते हैं, ठीक है, ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक एक करके, बस अब अभी अभी हम लोग को क्या जान लेना है कि ये सब टूल्स हैं, ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर याद रखना कि क्वांटिटेटिव कौन से होते हैं और क्वालिटेटिव कौन से होते हैं।
तो क्वालिटेटिव में ये है, फिक्स्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर क्रेडिट, क्रेडिट राशनिंग, ठीक है, मोरल सुएशन, ये भी एक ऑप्शन में है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ऑप्शन में है मोरल सुएशन, कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स। और इसमें क्वांटिटेटिव में क्या है, बैंक रेट, OMO, CRR, SLR, ठीक है, और ये LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक, ये सब चीज़ें हैं, ये टूल्स हैं, ठीक। इन टूल्स का यूज करती है RBI मार्केट में पैसा डालने के लिए और मार्केट से पैसा निकालने के लिए। बस अभी हम लोग इतना जान लेते हैं, चलिए वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। पैसे निकालती कैसी है, डालते कैसे है RBI, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी जो टूल्स हैं, टूल्स में OMO है, बिल्कुल है, CRR भी है, MSF भी है, मोरल सुएशन भी है, सब हमने देखे ना, अभी कोई चार्ट पर देखे, हम लोगों ने टेबल में देखे, ये चारों के चारों टूल्स में आते हैं, ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए 43 देखिए। 43 में अधिकतम आवंटन वाले सीट्स मंत्रालयों में, देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा बजट किसको एलोकेट किया गया, सिंपल सा, लेकिन यहाँ पे वृद्धि पूछा है कि एलोकेशन में वृद्धि किस मंत्रालय को इस बार ज़्यादा कर दिया, किसमें, 2019-20 के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इस बार जल शक्ति मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसमें जो बजट एलोकेशन हुआ है पिछली बार की अपेक्षा, इस बार जो इसमें वृद्धि की गई वो 64% की वृद्धि है बजट एलोकेशन में, ठीक है, तो इसको याद रखना, जल शक्ति मंत्रालय, ये वार्षिक वृद्धि है, ठीक है, वार्षिक वृद्धि है, पिछली बार जितना दिया गया था इस बार इतना बढ़ा के दिया गया, 64% बढ़ा के दिया गया, ठीक, तो आंसर ये हो गया। चलिए 44 देखिए। बी कल्याणम का हाल ही में निधन हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के निजी सचिव के रूप में जाना जाता है, ये महात्मा गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, ठीक है, PS थे, प्राइवेट सेक्रेटरी बोल लो या पर्सनल सेक्रेटरी बोल लो, ठीक, तो ये बी कल्याणम है, इनको देख लीजिए, करंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है इनका नाम, कहाँ गए साहब, फ़ोटो लेना भूल गया, पढ़िए फ़ोटो पढ़िए, देख लीजिए, ये है बी कन्यानम साहब, देखिए ये जो दिख रही है पिक्चर, ये बी कन्यानम साहब की है, तो गांधी जी के बगल में बैठे हैं, ये गांधी जी के PS थे, पर्सनल सेक्रेटरी, अभी जो लेटेस्ट जो फोटो है ये, अभी इनका निधन हो गया हाल ही में, ठीक है, याद रखना। चलिए वापस चलते हैं, और ये चेन्नई के हैं, ठीक है, चेन्नई के थे, चेन्नई। चलिए 44 हो गया, 44 का सी ऑप्शन हो गया। चलिए 45 देखिए। 45 में वैश्विक मीथेन आकलन रिपोर्ट, यानी ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक, इस रिपोर्ट के बारे में हम लोगों को बताना है। तो पहला पॉइंट है, ये रिपोर्ट जो रिलीज करता है, इन्होंने बोला है कि FAO द्वारा जारी की जाती है। देखो क्लाइमेट से संबंधित ये रिपोर्ट है, तो अगर आ भी नहीं रहा, क्वेश्चन नहीं भी आता हो, तो आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्लाइमेट से संबंधित रिपोर्ट नहीं देती है, तो आप पहले पॉइंट को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस रिपोर्ट को रिलीज करने वाली संस्थाएं हैं, आपको दो संस्थाओं के नाम याद रखना है, CCAC और UNEP। देखो UNEP के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जल्दी से बताइए, हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी में, ठीक है, नैरोबी कहाँ है, केनिया में, ठीक। और CCAC का मतलब है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, ठीक है, कोलिशन यानी यहाँ पे हिंदी में लिखा है, हिंदी में देख लीजिए, CCAC का मतलब क्या है, जलवायु और स्वच्छ वायु संघ, यानी क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, ठीक है, कोलिशन वाले संघ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, ठीक है, याद रखना। ये दो संस्थाएं मिलके इस रिपोर्ट को जारी करती हैं, किसको, वैश्विक मीथेन आकलन रिपोर्ट को, तो पहला पॉइंट गलत हो गया। दूसरा पॉइंट, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हम 2045 तक टेम्परेचर को 0.3 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देंगे, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को, और मीथेन का जो उत्सर्जन है वो लगभग 45% तक कम किया जा सकता है, ठीक है, 45% तक, इन्होंने 45% तक बताया है, तो पॉइंट नंबर दो सही है। तो आप टेम्परेचर वाइज भी याद रखना, और ये जो सीक्रेशन है मीथेन का कितने परसेंट तक कम करना है, 45% तक, तो ये दो डेटा याद रखना, ठीक है, तो पॉइंट नंबर दो सही है, तो बी इज करेक्ट। चलिए 46 आगे बढ़ें। चलिए 46 देखिए। 46 है आसान सा क्वेश्चन है, बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन के लिए ब्लॉकचेन आधारित स्वास्थ्य सेवा सूचना प्रणाली ब्लॉकट्रैक निम्नलिखित में से किसने विकसित की है, मोबाइल एप्लीकेशन का नाम पता ही चल गया होगा, ब्लॉकट्रैक, ठीक है। इसका काम क्या है, जो भी हेल्थ सर्विस हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको डिजिटलाइज करना है, ठीक है, डिजिटलाइज। अब ऐप बन गया तो ऐप पर डिजिटली, तो डिजिटल फॉर्म में ही तो रहेंगी इन्फॉर्मेशन। और ये ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन का मतलब समझते हैं, देखो ब्लॉकचेन
बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी है। आपको पता है कि डेटा चोरी बहुत होता है, डिजिटल डेटा भी बहुत ज़्यादा चोरी होने लगा है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको क्या इनेबल करती है, आपकी टेक्नोलॉजी को इनेबल कर देती है, आपका डेटा इंस्क्रिप्ट हो जाता है, ठीक है, डेटा आपका चोरी नहीं कर सकता कोई, तो फ्रॉड होने के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है, फ्रॉड होने के चांस कम हो जाते हैं, लीकेज नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन का लीकेज कम हो जाता है इस टेक्नो यदि आपका कोई भी एप्लीकेशन ब्लॉकचेन से इनेबल्ड है तो, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक ट्रैक बनाया है वो आईआईटी मद्रास ने बनाया है, ठीक है, आईआईटी मद्रास ने। चलिए आगे बढ़ें, 47 देखिए, अप्रैल 2021 में आयोजित लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट का विषय क्या था, क्लाइमेट में इतनी ज़्यादा कॉन्फ्रेंस और सम्मेलन हो रहे हैं, COPs हो रही हैं, कि याद रखवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन कहाँ पे हुई, किसकी क्या थीम, लेकिन काम कोई देश नहीं कर रहा है, मज़े की बात तो है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने इसको होस्ट किया था, ठीक है, लीडर समिट ऑन क्लाइमेट, इसका जो थीम थी इस बार का विषय था अवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030, ठीक है, 2030, तो आंसर क्या हो गया, अवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030, याद रखना, होस्ट किसने किया, बाइडेन साहब ने किया, ठीक है, बाइडेन साहब ने किया। अभी 2021 में, नवंबर 2021 में UNFCCC का एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है, उसके बारे में तो आप लोग चर्चित होंगे, है ना, COP 26 कहाँ होने वाला है, COP 26 का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 मतलब नंबर है 26, ये कहाँ पे होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ग्लासगो में होने वाला है, याद रखना ग्लासगो, ठीक है, ग्लासगो कहाँ है, स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड कहाँ है, ये ग्रेट ब्रिटेन में है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए 48 देखिए, 48 देखिए, 48 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इन सब केसेस में हुआ क्या था। देखो ये चारों के चारों केसेस जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर हैं, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा, ठीक है, मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा। अब मूल ढांचे में आती कौन कौन सी बातें हैं ये सब आपको पता होगा, जैसे कुछ बातें आप प्रियम्बल को उठा लेना, और प्रियम्बल में जो बोल्ड में लिखा है ना, जो डार्क 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 में जो इंपॉर्टेंट शब्द हम लोग याद करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, बेसिक स्ट्रक्चर हैं, और उसके अलावा भी काफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है कि कौन कौन सी बातें बेसिक स्ट्रक्चर में आई हैं, और ये चारों को चारों को इसके से संबंधित हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में आप चेंज नहीं कर सकेंगे, चेंज नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोली है पार्लियामेंट से, ठीक है, यानी पार्लियामेंट को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करने का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई पावर नहीं है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करती है पार्लियामेंट, तो हम यानी ज्यूडिशरी उसको नल एंड वॉइड कर देगी, ठीक है। तो केशवानंद भारती का आपको पता होगा, इनका ईयर कभी नहीं भूलना है, 1973, ये सब लैंडमार्क जजमेंट हैं सब, लिख दे रहा हूँ। केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे, आदेश दिए थे सरकारों को कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 में क्या है आपको पता है, पार्लियामेंट की अमेंड करने की शक्ति है 368 में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट को 368 के तहत बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करने का कोई भी राइट नहीं है, अमेंड करने का कोई भी राइट नहीं है संविधान में, ठीक है। और इसी केस में ही प्रियम्बल को संविधान का भाग माना गया था, ठीक है, प्रियम्बल को संविधान का भाग माना गया था, तो ये 1973 का था, ठीक। फिर इसके बाद आया मिनर्वा मिल्स केस, ये है 1980 का, ठीक है, 1980 में जो मिनर्वा मिल्स केस आया, इसने भी केशवानंद भारती को रीअश्योर किया, ठीक है, रीअफर्म किया, यानी मोहर लगाई कि हाँ केशवानंद भारती केस में जो भी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है वो सही दिया है, क्योंकि 1980 मिनर्वा मिल्स कब का है, 1980, और 1980 से पहले क्या हुआ था, 1977 75 से 77 में क्या हुआ था, इमरजेंसी लगी थी ना, तो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने इनकी बात को माना थोड़ी ना था, केशवानंद भारती केस में जो भी वर्डिक्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि बेसिक स्ट्रक्चर में भैया चेंज नहीं करना है, पार्लियामेंट के पास इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन यहाँ 1977 में ही कांड कर दिया था इन्होंने, गांधी जी ने। तो फिर मिनर्वा मिल्स आया, तो मिनर्वा मिल्स ने फिर बोला कि भैया केशवानंद भारती केस में जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो सही बोला है, ठीक है। तो ये 1980 हो गया। फिर इंदिरा साहनी केस आया, ये आया था 1900
ये 1992 का, ये बेसिक स्ट्रक्चर से थोड़ा सा हट के है, ये तो रिजर्वेशन के लिए था। मैं शुरुआत में चारों बोल दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर से, चारों नहीं है तीन, तीन है सॉरी तीन है ठीक है। इंदिरा साहनी केस रिजर्वेशन से रिलेटेड था। इंदिरा साहनी केस में तो ये था कि गवर्नमेंट 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन का प्रोविज़न नहीं कर सकती ठीक है। मैक्सिमम रिजर्वेशन जो है वो 50% का ही होगा, क्योंकि बहुत बहुत से राज्यों ने क्या किया था कि 50 से प्लस भी रिजर्वेशन है, 60%, 70%, 75% तक रिजर्वेशन गया है, तो ये उसी से संबंधित था ठीक। उसके बाद है फिर IR कोहिलो केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो अलग से सेपरेटली PCS ने पूछा था, शायद 2018 में क्वेश्चन भी आया था कि ये किससे संबंधित था। इसको 9th शेड्यूल केस भी बोलते हैं ठीक है, 9th शेड्यूल केस, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसको याद रखना, 9th शेड्यूल केस बोलते हैं किसको, IR कोहिलो केस को, और ये 2007 का है, 2007 का। 9th शेड्यूल किससे संबंधित है संविधान में बताइए, इसमें क्या है, जमींदारी से संबंधित, जमीन से संबंधित लॉ है ठीक है। क्या लिख दूँ मैं, लैंड लॉज लिख दे रहा हूँ ठीक है। यानी इस शेड्यूल में सेंट्रल सेंट्रल और स्टेट के स्टेट से संबंधित जितनी जमींदारी से संबंधित ये आपके लॉज हैं वो सारे के सारे इन लिस्ट हैं ठीक है, लिस्टेड हैं उसमें। तो सरकार का क्या जलवा था 9th शेड्यूल के लिए, 9th शेड्यूल कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं थी ठीक है, चैलेंजेबल नहीं थी 9th शेड्यूल, मतलब सरकार जो करना चाहेगी इसमें कर सकती थी ठीक है। यानी यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू वाला कोई सीन ही नहीं था 9th शेड्यूल में, इस केस से पहले, IR कोहिलो केस से पहले, मतलब 9th शेड्यूल में सरकारें अपने मन से कुछ भी कर सकती थी और उसका मुकदमा कोर्ट में भी नहीं जाना है। 9th शेड्यूल को अलग रखा गया था, जुडिशियल रिव्यू से अलग रखा गया था, जुडिशियल रिव्यू समझते होंगे ना, कोहिलो केस से जुडिशियल रिव्यू था ही नहीं 9th शेड्यूल में ठीक। लेकिन जैसे ये मुकदमा आया, IR कोहिलो केस आया, 9th शेड्यूल को सरकार की गिरफ्त से हटाया गया और जुडिशरी के दायरे में लाया गया ठीक है, जुडिशरी जुडिशरी के दायरे में लाया गया, यानी इसको दूसरी भाषा में क्या बोलें, अब 9th शेड्यूल पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है ठीक है। तो ये सब बातें थी इनसे संबंधित, लेकिन हम लोगों को तो क्रोनोलॉजी मिलानी थी, तो क्रोनोलॉजी मिला देते हैं। सबसे पहले केशवानंद भारती है 1973 का, तो सबसे पहले चौथा हो जाएगा, तो आंसर तो बी ही हो गया ठीक, आंसर बी हो गया। बाकी मैच करा लेना आप, हम लोगों ने डिस्कस तो कर ही लिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 देखिए या 49 देखिए, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA से एक नया DPSP जोड़ा गया, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ठीक है, नीति निदेशक तत्व जो राज्य के होते हैं। कौन सा जोड़ा गया था 97 से, कौन सा जोड़ा गया था, ये सहकारी समितियाँ जोड़ी गई थी ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जोड़ी गई थी। और आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया था, आर्टिकल 43B में लिखा है सहकारी समितियों के बारे में, आर्टिकल 40B में लिखा है। और 40B कब आया, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया 2011 में ठीक है, 2011 से पहले 43B नहीं था ठीक है। तो आंसर सी हो गया। चलिए 50 देखिए, 50 में हम लोगों को मैच कराना है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द मिनिमम बेसिस एक्ट और फैक्ट्री एक्ट ठीक है, मिनिमम बेसिस एक्ट और फैक्ट्री एक्ट एक ही समय के थे 1948 के ठीक है। तो ये तो सही मैच है, मिनिमम बेसिस एक्ट यानी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तो सही मैच है, कारखाना अधिनियम 1950 है गलत लिखा है, 1948 होना चाहिए यहाँ पर, यानी डी पॉइंट गलत मैच है, बाकी सब सही है। कामगार प्रतिकर अधिनियम 1923 का है और बंधित श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम 1976 का है। यहाँ पर पढ़ लो भाई, ये बहुत कठिन शब्द उत्सादन क्या है, ये अबॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोल्यूशन एक्ट ठीक है, एबोल्यूशन एक्ट, एबोल्यूशन का मतलब होता है उत्सादन, और एबोल्यूशन का मतलब समझ रहे होंगे, ख़त्म करना ठीक है, बॉन्डेड लेबर को, बंधुआ मजदूरी को ख़त्म करना वाला जो एक्ट है वो 1976 है ठीक है। तो आंसर इसका डी है जो गलत मैच है। चलिए 51 में साइट्स हैं, इनको मटेरियल से मिलाना है कि किस जगह पर कौन से मटेरियल पाए जाते हैं ठीक है। बालाकोट, बालाकोट आपको पता है कहाँ पर, ये तो पाकिस्तान में, ये बालाकोट जो फेमस है किस जगह किस चीज़ के लिए, बालाकोट इज़ फेमस फॉर सेल ठीक है। सुरदगई ये अफगानिस्तान में है, ये अफगानिस्तान में एक्चुअली ये हड़प्पा स्थल हैं ठीक है, हड़प्पा स्थल हैं, हड़प्पा स्थल। सुरदगई में मिलता है क्या, लेपिस लूजली, ये सब जो कार्नेलियन दिख रहा है आपको और ये लेपिस लूजली दिख रहा है, ये प्रीसियस मेटल है, प्रीसियस मेटल यानी जो अंगूठे में पहनते हैं लोग पत्थर,
प्रीसियस स्टोन जो पहनते हैं अंगूठी में लगवाते हैं, जड़वाते हैं, उस तरह के पत्थर हैं। ठीक है, ये अभी हम इमेज में दिखा दे रहे हैं, ये रेड कलर का है और ये ब्लू कलर का होता है। ठीक, लोथल के बारे में आप लोग जानते हैं, लोथल कहाँ है, ये गुजरात में है। और लोथल में क्या मिलता है, कार्नेलियन। ठीक है, कार्नेलियन। और राजस्थान का तो आप जान ही रहे होंगे, तावा। राजस्थान में कौन सी माइन है जल्दी से बताइए, कॉपर की बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस कॉपर माइन है ना, उसका नाम बताइए जल्दी से। खेतड़ी। ठीक है, खेतड़ी, खेतड़ी की खान, यहाँ कॉपर कॉपर भरा पड़ा है। तो अब जल्दी से मिला लेंगे, तो बालाकोट को मिला दीजिए सेल से, तो एक का टू मिला दीजिए, एक का टू, एक कोई भी अगर आता होगा तब भी आपका आंसर बन जाता है इसमें। ठीक है, बी का फोर, सी का वन, डी का थ्री। अब देख लेना है, इसको देखना है, ये कार्नेलियन और लूजली जो करके हैं, इसका एक में शायद पड़ा है, ये जो ये एक कार्लियन है, कार्लेनियन है। ठीक है, कार्लेनियन, कारने कार्नेलियन। ठीक, कहाँ पे है, लोथल में। लोथल कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, ऐसे ही जो लूजली करके है वो ब्लू कलर में है, ऐसे ही सेम है, मैं उसकी इमेज नहीं यहाँ पे लगा पाया। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलता हूँ, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक, 52 देखिए, निम्नलिखित किस सुल्तान ने गोंड राजा नरसिंह राय को पराजित किया और बहमनी साम्राज्य का विस्तार बराड़ तक किया। ये ताज उद्दीन फिरोज शाह थे। ठीक है, जस्ट फैक्ट याद रख लीजिए, ताज उद्दीन फिरोज शाह, ये तोलक वंश के फिरोज शाह नहीं है, ये बहमनी, ये बहमनी साम्राज्य वाले हैं। ठीक है, चलिए 53 देखिए, निम्नलिखित में से किसने पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया, यानी हेरिडिटरी पोस्ट जो है उसको बना दिया, पेशवा पद को किसने बनाया था, बालाजी विश्वनाथ भट्ट। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, पेशवा के पद को वंशानुगत किसने बनाया, बालाजी विश्वनाथ भट्ट साहब ने। पेशवा का मतलब ये लाइक प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पद के इक्वल आप समझ सकते हैं इनको, पेशवा को। और शब्द का यूज़ कौन करते थे, मराठे। ठीक है, मराठे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 54 देखते हैं, भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित हुई, जस्ट फैक्ट है, आसान सा क्वेश्चन है, फ्रांसीसों ने पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में इंस्टॉल की थी। ठीक है, सूरत में इस्टेब्लिश की थी। ठीक, 1668 में। ठीक है, 1668 में, फिर एक साल बाद 1669 में मुसलीपट्टनम में इन्होंने अगली फैक्ट्री स्थापित की, मुसलीपट्टनम। ठीक है, ये दो फैक्ट याद रखना, तो पहली सूरत में, दूसरे मुसलीपट्टनम में। 55 में देखिए, जवाहरलाल नेहरू को दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, ये फैक्ट याद रखना, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में। ठीक है, तो 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के लिए अध्यक्ष नामित किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। कांग्रेस अधिवेशन 1929 में प्रेसिडेंसी किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू साहब ने की थी। ठीक है, कारण है, उन्हें मुख्य रूप से महात्मा गांधी के समर्थन के कारण चुना गया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी का समर्थन था, उसी के कारण ये बने भी थे, तो कथन कारण दोनों सही है, यानी ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे आपको पूर्ण स्वराज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे जानना है, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का जो कॉन्सेप्ट आया था वो इसी सेशन में आया था। ठीक है, इसी अधिवेशन में आया था कि अब भैया हम पूर्ण स्वराज के लिए लड़ाई करेंगे। ठीक है, पूर्ण स्वराज का मतलब फुल इंडिपेंडेंस। ठीक है, फुल इंडिपेंडेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, 56 देखिए, लोकल विंड के बारे में पूछ रहा है, और लोकल विंड में ठंडी कौन सी है ये पूछ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कई बार पढ़े होंगे चिनुक के बारे में, हर्बर्टन के बारे में, इसको तो डॉक्टर भी बोलते हैं ना, डॉक्टर विंड, डॉक्टर विंड। ठीक, लेकिन ये कैसी है, ये ड्राई है, ये गर्म है, शुष्क हवा है, शुष्क हवा है, चिनुक भी गर्म हवा है। ठीक, अब इसको मैप पर देख ले रहे हैं हम लोग, और जोंडा भी गर्म हवा है। ठीक है, गर्म या शुष्क, ये कहाँ पे ये ट्रैवल कर रही हैं, बह कहाँ रही हैं, ये हम लोगों को देख लेना है। जोंडा बोरा जो है वो है महाठंडी, ये ठंडी हवा है। ठीक है, ठंडी हवा, जोंडा का जो क्षेत्र है बहने का, ये है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना याद रहेगा, चिनुक के बारे में आप लोगों को पता है, ये क्या है, आइस ईटर है, बर्फ़ को खा लेती है, बर्फ़ को खा लेगी, इसका मतलब क्या है, गर्म ही होगी तभी तो पिघला पाएगी, यानी आइस को ईट कर लिया, पिघला दिया मतलब आइस को ईट कर लिया। तो ये फैक्ट भी यदि याद रहेगा चिनुक के बारे में, तब भी पता चल जाएगा कि चिनुक गर्म है, ठंडी नहीं है, और ये रॉकी माउंटेन के सहारे बहती है। ठीक है, रॉकी माउंटेन, ये कहाँ पर है, यूएसए कनाडा। ठीक, चिनुक हर्मटन कहाँ है, ये अफ्रीका में बहती है, अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका। अभी हम लोग इमेज देख ले रहे हैं,
तो आंसर तो पता चलेगा ना, जो ठंडी है, ठंडी पूछा है क्वेश्चन में, ठंडी तो सिर्फ एक ही है, बोरा, ठीक है, आंसर केवल सी हो गया। अब चलिए जल्दी से इसको मैप पे देख लीजिए, ये देखिए पहला चिनुक था, चिनुक के बारे में, जो यहाँ पर रेड से एरो है वो गर्म है, ठीक है, और जो ये ब्लू से एरो बना है वो ठंडी है, ठीक। तो चिनुक के बारे में याद रख लेना कि ये USA में रॉकी माउंटेन के सहारे बहती है। जोंडा ये दिख रही है, जोंडा ये भी गर्म है, ठीक है, और ये अर्जेंटीना में बहती है, ठीक है, एंडीज माउंटेन के सहारे। हरमट्टन है, हरमट्टन यहाँ पे बहते हुए गिनी के तट पे आती है, गिनी के तट पे ही इसको डॉक्टर विंड बोलते हैं, ठीक है, गिनी के तट पे डॉक्टर विंड, क्योंकि गिनी का तट जो है यहाँ पे क्या है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहती है, नमी बहुत ज़्यादा रहती है हवा में, लेकिन जो हरमट्टन गर्म हवा आती है वो यहाँ की नमी को खा लेती है, ठीक है। और नमी जानते हैं, नमी मतलब उमस, उमस जानते हैं बहुत तकलीफदायी होती है, अगर उस उमस को कोई हवा ख़त्म कर दे तो फिर वो डॉक्टर का ही काम कर रही है ना एक तरह से। तो हरमट्टन, हरमट्टन जो हवा है, लोकल विंड है, वो गिनी के तट का जो एनवायरनमेंट में जो हवा में नमी है उस नमी को ख़त्म कर देती है, ठीक है, इसलिए इसको डॉक्टर विंड बोलते हैं। और बाकी भी देख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, pickcreditcivilspedia.com है भाई, इनको लिख दें नाम, नहीं तो कॉपीराइट लगा देंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, काम आएगा, ये इम्पोर्टेंट है ना। बोरा के बारे में पूछा था, बोरा कैसा है यार, ये ब्लू कलर का है, यानी ये ठंडी है, इसका जो एरिया है वो है स्लोवेनिया, ठीक है, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया प्लस क्रोएशिया, क्रोएशिया ये दो देश हैं इसमें बहती है। चलें अब क्वेश्चन पे चलें वापस, ठीक है, तो आंसर 3 निकल गया, ठीक है, हम लोगों का 57। देखिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ग्रासलैंड्स पूछा है, कहाँ कहाँ पे हैं, कई बार पढ़े होंगे, डाउन्स कहाँ पे है जल्दी से बता दीजिए, लानूस कहाँ पे है। इसमें कभी कभी क्राइटेरिया पूछ लेता है कि कौन सी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक है, कौन से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है और कौन से टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये तो समझते होंगे ना आप लोग। ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं, लेकिन इसमें कैटेगराइजेशन तो पूछा है नहीं है, सिंपल सा बताना है कि ये कहाँ कहाँ पर है। अगर आपको लोकेशन याद होगा तो आप उसको कैटेगराइज कर लेंगे कि कौन सा टेम्परेट है, कौन सा ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल तो समझते होंगे ना, 23.5 से 23.5 से नॉर्थ और 23.5 साउथ, इसके बीच में जो आएगा वो ट्रॉपिकल हो जाएगा, ठीक है, और इसके बियॉन्ड जो आएगा, इसके बियॉन्ड जो ग्रासलैंड होगा वो टेम्परेट में आ जाएगा। तो स्टेपीज जो है वो यूरोप में है, ठीक, तो यूरोप, यूरोप कहाँ पे आएगा, ट्रॉपिकल में आएगा कि टेम्परेट जोन में आता है, यूरोप तो टेम्परेट जोन में है ना, तो स्टेपीज कौन सा ग्रासलैंड हो जाएगा, टेम्परेट ग्रासलैंड हो जाएगा, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड हो जाएगा। तो ऐसे आप कैटेगराइज कर लेना, अभी हम लोग देख लेते हैं कौन कहाँ कहाँ पर है। और जो स्टेपीज है, इसी स्टेपीज को हंगरी में पुस्टाज बोला जाता है, ठीक है, हंगरी में इसी स्टेपीज को पुस्टाज बोलते हैं, याद रहेगा, यानी जो पुस्टाज अर्जेंटीना में मैच दिखा रहा है ये गलत मैच है, ठीक है, ये गलत मैच है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल करेक्ट है, लानोस साउथ अमेरिका में है, बिल्कुल करेक्ट है, और स्टेपीज यूरोप में है, ठीक है। तो आंसर क्या निकल गया, ए ऑप्शन, इसको जल्दी से देख लीजिए ताकि बाकी भी रिवाइज हो जाए। कहाँ गया, ये देखिए दिख रहा, जूम कर दे रहा हूँ मैं, ये प्रेरीज दिख रहा, USA में, इसको मार देना, ठीक है, सेल्वास ये कहाँ पे, सेल्वास और पंपास ये साउथ अमेरिका में, ठीक है, बेल्ट से याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं ये साउथ अफ्रीका में, ठीक है। डाउन से क्वेश्चन में पूछा ही था, डाउन कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, ये सब घास के मैदान है, ठीक है, और ये आपको ऊपर स्टेपीज दिख रहा है। अब जो स्टेपीज की लोकेशन देख रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी 23.5 नॉर्थ से ऊपर है इसकी लोकेशन, इसलिए ये टेम्परेट है, ठीक है, टेम्परेट है, यानी शीतोष्ण घास के मैदान है। और बाकी जो इसके बीच में रहेंगे 23.5 नॉर्थ और साउथ के बीच में, इनके बीच में जो घास के मैदान आएंगे उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे उष्णकटिबंधीय, यानी ट्रॉपिकल, ठीक है। चले आगे बढ़ें, चलिए तो 57 का ये हो गया, चलिए 58 देखिए, 58 करेबा मृदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेफ्रॉन इसी ज़मीन पे होता है, ठीक है, सेफ्रॉन इसी ज़मीन पे होता है, इसी मृदा पे होता है, सेफ्रॉन यानी केसर, ठीक है, बहुत महंगा आता है केसर, 300 रुपये का, 300 रुपये का एक ग्राम, एक ग्राम, क्योंकि ये मृदा जो है जो हाइट पे होती है, ऊंचाई पे होती है, तो इसे बोलते हैं एलिवेटेड, इसको याद रखना, एलिवेटेड टेबल लैंड, ठीक है, एलिवेटेड टेबल लैंड, हिंदी में क्या बोल लेंगे इसको, उच्च पठार, उच्च पठार भूमि,
ठीक है। चलिए पहले अपन पढ़िए, करेवा जो है मृदा है कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र की भद्रवाह घाटी में पाई जाने वाली झील के अवसाद है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सही पॉइंट है। ठीक, करेवा मृदा में मुख्यतः केसर की खेती की जाती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है पहला पॉइंट, दूसरा दोनों करेक्ट है। तीसरा पॉइंट है असंगठित कंकड़, यानी ये क्या कह रहे हैं, इट कंप्राइजेज ऑफ अनकंसोलिडेटेड ग्रेविल्स और पंख का मिश्रण है जिसमें कोई कार्बनिक तत्व नहीं पाया जाता। भाई ये कंकड़ अंकड़ की कंकड़ वाली ये जमीन ये वो मृदा नहीं है, ठीक है। ये मिट्टी बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ, बचपन अगर मिट्टी खाए होगे, काली मिट्टी खाए होगे, वो कितनी स्मूथ रहती है, वैसी होती है भी, कंकड़ पत्थर का कोई सीन ही नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर तीन गलत हो गया, पहला और दूसरा सही है, यानी ए ऑप्शन ठीक हो गया। केसर को देखना है, देखिए यह है करेवा, यह करेवा, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ करेवा मृदा, ये केसर दिख रहा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुख्य प्रायद्वीप पठार से मेघालय पठार को अलग करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आप लोगों को पता होगा, मालदा गैप से ये सेपरेट होता है। ठीक, मेघालय में आपको जो तीन पहाड़ियाँ दिखती हैं कौन सी, गारो खासी जयंतिया, ठीक है, गारो खासी और जयंतिया, ये जो है वो हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है, याद रखना, ये जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। मेघालय पठार जो है, मेघालय पठार ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ठीक है, ना कि हिमालय का, और ये मालदा गैप से अलग हो जाते हैं। ठीक, मालदा गैप कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, मालदा के नाम से एक शहर भी है वेस्ट, ये वेस्ट बंगाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 60 देखिए, बायोडाइवर्सिटी कैसे बदलती है, आसान सा क्वेश्चन है, 0 डिग्री इक्वेटर, ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है, ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ पर है, ट्रॉपिक 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 एरिया जो है, ट्रॉपिक एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ पर सन की रेज ओवरहेड होती हैं, लंबवत पड़ती हैं, परपेंडिकुलर इम्पैक्ट करती हैं, और ये परपेंडिकुलर इम्पैक्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, ग्लोब पर, 23.5 से 23.5 से नॉर्थ और 23.5 साउथ, इसके बीच में ही परपेंडिकुलर हेड ओवरहेड होती है सन की रेज, ठीक, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। उसके ऊपर चलते जाओगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता रहेगा, डाउन होता जाएगा, ठीक है, और सबसे ऊपर पहुँचोगे तो वहाँ पे फ्रीजिड जोन आ जाएगा। तो स्पीसीज़ को पनपने के लिए जो सबसे सबसे बढ़िया जो यहाँ पे जोन है वो कौन सा माना जाता है, ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर के साथ साथ रेनफॉल वगैरह सब होता है, ठीक है, नमी है हवा में, टेम्परेचर भी ज़्यादा है और रेनफॉल भी यहाँ पर ठीक ठाक होता है, इसलिए स्पीसीज़ का जो पनपने का, जाना पनपने का जो जोन है वो ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। ठीक है, आप जैसे ही ऊपर जाओगे ठंडी में, ठंडी में स्पीसीज़ की ग्रोथ नहीं हो पाती है, टेम्परेचर डाउन रहेगा तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, चाहे फ्लोरा हो चाहे वो फौना हो, वहाँ पर फिर स्पेशल टाइप की स्पीसीज़ ही पनप पाती हैं। ठीक, हर एक स्पीसीज़ को डेवलप करने के लिए वहाँ पर कंडीशंस नहीं है, नेचर ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आप पोल्स की तरफ जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी घटती जाएगी, तो कैसे बदलेगी, यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। अब इसको दो तरह से बोल लो, ठीक है, ये इक्वेटर है, पोल से इक्वेटर की तरफ आओगे तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, या दूसरी तरीके से ये बोल लो, इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी घटेगी। ठीक, तो यहाँ पर सी ऑप्शन में क्या लगा, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती जाती है, बिल्कुल करेक्ट है, पोल से भूमध्य रेखा की तरफ आओगे, पोल से भूमध्य रेखा की तरफ आओगे तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, यहाँ पे लिखा है बी ऑप्शन में लिखा है उत्तर ध्रुव की ओर बढ़ती जाती है, तो गलत है, ध्रुव की ओर जाओगे तो भाई घट जाएगी, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, 61 देखिए, 61 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP इंग्लिश में देख लीजिए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, अब इस प्रोग्राम का क्या टारगेट है देख लेते हैं हम लोग। NCAP का उद्देश्य केवल 2.5 पर्टिकुलेट मैटर को कम करना है, ये सब समझते हैं ना, PM 2.5 एक्चुअली ये साइज का नाम लिखा है, ठीक है, 2.5 माइक्रोन, 2.5 का मतलब क्या है, 2.5 माइक्रोन, और माइक्रोन बहुत छोटी यूनिट होती है, ठीक है, मोटा मोटी हम आपको बता देते हैं, आप सर के बाल से 30 गुना और पतला, ठीक है, अब इसको आप एज्यूम कर सकते हो कि कितना छोटा साइज है, विड्थ में कितना छोटा है, यानी बहुत टाइनी पार्टिकल है, ये जो PM क्या है, ये बहुत टाइनी पार्टिकल है, बहुत छोटे टाइनी पार्टिकल, इतने छोटे कि ये हवा में उड़ जाते हैं, ठीक है, हवा में भी उड़ जाते हैं, और साइज छोटे होने के वजह से ये ह्यूमन हेल्थ को कितना
नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप सोच सकते हैं। यानी आप जो सांस लोगे, आप सांस ले लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पीएम पार्टिकुलेट मैटर जो है वो आपके फेफड़े में भी जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ऐसे नहीं होगा, वो सीधा पहुंच जाएगा अंदर फेफड़े में, और फेफड़े में जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा, फेफड़े से कहाँ जाएगा, तो फेफड़े को अफेक्ट करेगा, और फेफड़े से कभी कभी ये सीधे ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर कर जाते हैं, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर कर जाते हैं, ठीक है। और ब्लड का सर्कुलेशन का मास्टर कंट्रोल रूम कहाँ है, हार्ट है, ठीक है। तो हार्ट में जाके सब फंसेंगे, और जब हार्ट में फंसेंगे तो क्या, फिर धक्का लगेगा, धक्का लगेगा तो हार्ट अटैक होगा, तो फिर हम लोग निपटेंगे। तो पर्टिकुलेट मैटर से आपको क्या समझना है, बहुत टाइनी पार्टिकल है जो हवा में भी सस्पेंडेड रहते हैं, इनको सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर भी बोलते हैं, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर SPM भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस NCAP का जो उद्देश्य है वो केवल और केवल PM 2.5 को कम करना नहीं है, PM 2.5 के साथ साथ PM 10 को भी कम करना है, PM 10 को भी कम करना है, ठीक है। तो यहाँ केवल जो लिखा है वो गलत है, पॉइंट नंबर वन गलत है। दूसरा पॉइंट है, यह योजना विश्व के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल शहरों में क्रियान्वित होगी। क्यों भैया इतने कम शहरों में एग्जीक्यूट क्यों हो रही है? इसमें जो मार्क किए गए हैं शहर वो 20 नहीं है, वो हैं 102 पॉल्यूटेड, मोस्ट पॉल्यूटेड शहर जो हैं वो 102 हैं, ठीक है, ना कि 20। तो पॉइंट नंबर दो भी गलत है, यानी 1 और 2 दोनों गलत हो गए, तो ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए 62 देखिए। यूपी में किस ज़िले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति संख्या जनसंख्या पाई जाती है, यानी ये ST की पॉपुलेशन पूछ रहे हैं, ST की पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ पाई जाती है और यूपी में, तो सबसे कम यूपी में तो पाई जाती है कासीराम नगर में, कासगंज में, ठीक है, कासगंज में, लेकिन कासगंज ऑप्शन में नहीं है। तो जो सीक्वेंस है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ये सीक्वेंस है, सबसे कम कहाँ पर है, कासगंज में, फिर उससे ज़्यादा बदायूं में, फिर उससे ज़्यादा कन्नौज में, फिर बागपत में, तो ये चार याद रखना, ठीक है, क्योंकि यूपी का जो क्वेश्चन पूछता है या तो सेपरेट पूछ लेता है या फिर ऐसे सीक्वेंस ऐसे मैनर में पूछेगा, ऐसे अरेंजमेंट में पूछेगा। तो अभी इन चार में से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बागपत ही दिख रहा है इसमें, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, तो बागपत आंसर हो गया, ठीक। चलिए 63 देखिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, PLI बहुत इंपॉर्टेंट ये योजना है गवर्नमेंट की, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सरकार बोलती है कंपनी से, कारखाने वाले से कि भाई आप प्रोडक्शन करो हम आपको इंसेंटिव देंगे, ठीक है, आप प्रोडक्शन करो हम आपको इंसेंटिव देंगे, यानी प्रोडक्शन को बूम करने के लिए गवर्नमेंट कर रही है, खासतौर से हमारे जो घरेलू कारखाने हैं वो भी इससे लाभान्वित होंगे, वो भी सोचेंगे ना कि चलो प्रोडक्शन करते हैं, नुकसान और फ़ायदा तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा इंसेंटिव कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, और इसमें भी कुछ सालों तक ही है, हमेशा के लिए नहीं है, ठीक है, वैसा थोड़ी ना कि तुम ज़िंदगी भर अपना प्रोडक्शन करते रहोगे तो पूरा इंसेंटिव गवर्नमेंट देती रहेगी। शुरुआत में सपोर्ट कर रही है आपको, यदि आप उठना चाह रहे हैं तो आप ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा आप करिए थोड़ा हम करिए, गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है। तो ये घरेलू के साथ साथ बाहर वालों के लिए भी है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर के लिए भी है, ताकि वो भी आएँ और यहाँ पे इन्वेस्ट करें और कारखाना में अपना प्रोडक्ट बनाएं, यहाँ यहीं पे बेचें। अब यहाँ पे कारखाना खोलेंगे तो भाई यहाँ पे बंदों को नौकरी मिलेगी, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो ये पहले ही शुरू कर देती थी, ठीक है, अब और उसको एक्सटेंड कर दिया, अब शायद 10 सेक्टर है, हम लोगों ने डिस्कस किया था ना पहले, डिस्कस किया था, तो अब यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग इसका मेन थीम तो समझ गए ना कि इस योजना में होने क्या वाला है। तो ये 2020 में लॉन्च की गई है, ठीक है, 2020 में, और कौन से मंत्रालय ने इसको लॉन्च की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइटी बोलते हैं इसे, ठीक है, माइटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसने लॉन्च की है PLI स्कीम, ठीक। चलिए आगे बढ़ें, चलिए 64 देखिए। अप्रैल 2021 को निम्नलिखित में से किसने जेंडर संवाद शुरू किया, जेंडर संवाद इम्पॉर्टेंट है याद रखना, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, MRD ने किया, ठीक। चलिए 65 देखिए। मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट 21 निम्नलिखित में से किसने जीता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर जान लीजिए बस, ठीक है, स्टेफानोस सित्सिपास, ये ग्रीस के हैं। चलिए 66 देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व मलेरिया दिवस, ये तो इम्पोर्टेंट है, इसका तो याद होना चाहिए, विश्व मलेरिया दिवस कब होता है, 25 अप्रैल को होता है, ठीक है, 25 अप्रैल, यानी डी ऑप्शन तो गलत है।
अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस ये होता है 22 अप्रैल को, ठीक है। और 22 अप्रैल को और क्या मनाते हैं जल्दी से बताइए। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस भी मनाते हैं, तो उसी से याद रखना, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस भी है और 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस भी है, ठीक है। तो ये भी गलत मैच है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है वो 2 अप्रैल को है, ठीक है, 2 अप्रैल को। तो ये भी गलत मैच है, यानी एक ही मैच है, बी ऑप्शन। विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो 18 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। ये करेक्ट मैच है, आंसर बी है, इसमें सुमेलित बताना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 67 देखिए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने गोपा बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना घोषणा की। ये जो योजना है वो उड़ीसा की है, ठीक है, उड़ीसा की है। और किसके लिए है, इसके बेनिफिशरीज कौन है, पत्रकार लोग, ठीक है, पत्रकारों के लिए है, ठीक है, आंसर उड़ीसा हो गया। 68 देखिए, भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया था। बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार पढ़ा होगा, 1950, 28 जनवरी 1950 को, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट से प्रावधान कौन से आर्टिकल में बताएंगे, आर्टिकल 124, ठीक है, आर्टिकल 124 से 147 देखना, सारे प्रावधान लिखे हुए हैं, ठीक। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत जारी करता है, आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट किसके तहत करता है, आर्टिकल 226 से, ठीक है, आंसर डी हो गया। चलिए 69 देखिए, भारत में सिटीजनशिप नागरिकता के संदर्भ में हम लोगों को बताना है। पहला पॉइंट है, नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य हैं, हाँ भाई पूर्ण सदस्य तो हैं ही, और इसके प्रति निष्ठा रखते हैं, बिल्कुल निष्ठा रखते हैं, भारत माता की जय, सिर्फ बोलने से निष्ठा तो नहीं आ जाती है, खैर ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 सही है। दूसरा पॉइंट देखिए, एलियंस एलियंस किसी अन्य राज्य के नागरिक हैं, लेकिन वे सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का भी लाभ उठाते हैं। यहाँ पे एलियंस जो है वो यहाँ पे लिखा है किसी अन्य राज्य, यहाँ पे अन्य राज्य का मतलब ये नहीं समझ लेना, यूपी और दूसरा अन्य राज्य फिर बिहार हो गया, यहाँ पे अन्य राज्य का मतलब अन्य राष्ट्र से है, ठीक है, दूसरे देश से है, ठीक। तो एलियंस किसको बोला जा रहा, दूसरे देश के नागरिक को बोला जा रहा है एलियंस। तो एलियंस वो नागरिक हैं लेकिन वे सभी नागरिक, उनको राजनीतिक पॉलिटिकल राइट्स थोड़ी ना है, वो यहाँ के वोट थोड़ी ना कर देते हैं भाई, तो पॉल राजनीतिक अधिकार नहीं है, कुछ नागरिक अधिकार हैं उनके पास भी, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 में जो फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, इसमें से कौन कौन से एलियंस को हैं और कौन कौन से नागरिकों को हैं, हमें जल्दी से कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है, यानी विदेशी लोगों को कौन से राइट्स हैं और नागरिकों के लिए कौन से हैं। तो पॉइंट नंबर 2 गलत हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स एलियंस को नहीं है। तीसरा पॉइंट है, भारत में एलियंस को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी उपलब्ध हैं। तो अब इस पॉइंट नंबर 3 को क्लेरिफाई करने के लिए आप आर्टिकल 29 और 30 पढ़ना, ठीक है। 29 और 30 में पढ़ोगे तो उसमें लाइन में उस वाक्य में लिखा होगा, संविधान के आर्टिकल के वाक्य में लिखा होगा क्या, नागरिक लिखा होगा, ठीक है, नागरिक लिखा है, ना कि व्यक्ति। अगर व्यक्ति लिखा होता तो वो सभी के लिए हो जाता, यानी यहाँ के नागरिक के लिए और विदेशी लोगों के लिए भी। जिस आर्टिकल में व्यक्ति लिखा है वही समझ जाना कि वो विदेशी लोगों के लिए भी है और हमारे लिए भी है, और जिस आर्टिकल में नागरिक लिखा है 12 से 35 में, उस आर्टिकल को समझ लेना कि वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है, ठीक है, जिसमें नागरिक लिखा है, ठीक। अब आप जज करना, ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 में देखना, ठीक है, किस किस में व्यक्ति लिखा और किस किस में नागरिक लिखा, यानी पॉइंट नंबर 3 भी गलत है, ठीक है। शैक्षिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार 1930 में नागरिकों के लिए है, ठीक है, व्यक्तियों के लिए नहीं है, एलियंस के लिए नहीं है, तो ये भी गलत है। इसमें केवल एक ही पॉइंट करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन में कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये मतलब सही से कूट नहीं किया गया, यहाँ पे ऐसे मिटा दीजिए, केवल एक आंसर है इसका, ठीक है, केवल एक आंसर है। चलिए 17 देखिए, 17 में क्या है, संवैधानिक आपातकाल घोषित किया जाता है किस आर्टिकल के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अब बताइए आर्टिकल 352, 356 और 360, ये तीन ही है ना इमरजेंसी, तो 352 में क्या है, इसमें तो नेशनल इमरजेंसी है ना। 356 में क्या लिखा है, 356 में लिखा है, दी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यदि फेल हो जाती है तो 356 लग जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति जी प्रोक्लेम कर देंगे, उद्घोषणा कर देंगे, कब करेंगे, जब कंडीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्ड की स्थिति में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाना मतलब यही तो है संवैधानिक आपातकाल, तो ये किस में है, 356 में, ठीक। चलिए 71 देखिए, पहला पॉइंट है, पवन में केवल गतिज ऊर्जा होती है,
विंड पजेसेस ओनली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हॉरिजेंटली जो चीज़ मूव करती है उसमें काइनेटिक एनर्जी ही होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं है इसमें? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कोई ऊपर से नीचे थोड़ी ना गिर रही है वर्टिकली, ऊपर से नीचे अगर कोई चीज़ गिर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ठीक। अगर वर्टिकल गिर रही है तो उसमें फिर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होगी। हॉरिजेंटल यदि मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है। यदि आप छत से छलांग लगाओगे नीचे, ऐसे छलांग लगाना मत भाई, छत से नीचे छलांग लगा दोगे तो कौन सी एनर्जी रहेगी आपके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। चलिए तो पॉइंट नंबर एक सही है। पॉइंट नंबर दो पढ़िए, पवन ऊर्जा को विंड एनर्जी को मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, यही तो चल रहा है। विंड एनर्जी, विंड पावर प्लांट जो चल रहे हैं वो क्या हो रहा है उसमें? ऐसे विंड विंड लगे हैं, ठीक है, टर्बाइन लगी हैं, विंड से टर्बाइन क्या है रोटेट कर रही है, तो रोटेट कर रही है तो क्या हो रहा है? रोटेट करना ही तो मैकेनिकल एनर्जी है, तो रोटेट कर रही होगी शाफ्ट के माध्यम से, वो शाफ्ट जाके यहाँ जनरेटर में लगा होगा, है ना, और जनरेटर पर बिजली बना रहा होगा, यानी यहाँ तक क्या है मैकेनिकल एनर्जी। फिर आगे आगे ट्रांसफ़र क्या हो जा रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर के माध्यम से, जनरेटर क्या करता है विद्युत बना दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बना दे रहा है, ठीक। तो ये पॉइंट ठीक है, यानी इसके सी पॉइंट हैं, वन और दो दोनों सही हैं। चलिए 72 देखिए, एक अति चालक की चुंबकीय पारगम्यता, यहाँ पर पढ़ लो भैया, द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। यहाँ पर मैग्नेटिक परमेबिलिटी को आप रेजिस्टेंस समझ लीजिए, ठीक है, रेजिस्टेंस यानी सुपर कंडक्टर जो होते हैं उसमें रेजिस्टेंस वाली कोई बातें नहीं होती है, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर का मैग्नेटिक परमेबिलिटी 0 होता है, ठीक, 72 का भी हो जाएगा। चलिए 73 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आधात्विक खनिज है? आधात्विक यानी नॉन मेटेलिक। देखो मेटल और नॉन मेटल में फ़र्क आना चाहिए, ठीक है, मेटल किसे कहते हैं और नॉन मेटल किसे कहते हैं, ठीक है। देखो एक दो अंतर हम लोग समझ लेते हैं। देखो मेटल में सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आप मेटल को किसी भी चीज़ से टकराओगे ना तो आग आ जाएगी, ये बिल्कुल जनरल सा सामान्य सा एक एग्जाम्पल है, पहचानने का तरीका है। यानी ये जो हैं हार्ड होते हैं, ठीक है, ये हार्ड होते हैं और ये क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल, नॉन मेटल में ये सॉलिड भी हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, ये गैस भी हो सकते हैं, ठीक है, ये लिक्विड भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी जो इनर्ट गैसेस हैं आपकी, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वो नॉन मेटल में आती हैं, ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आती हैं वो सब। तो मेटल हार्ड होते हैं और नॉन मेटल कैसे हो सकते हैं? सॉलिड हो सकते हैं, ये गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं। और सॉलिड में जो होते हैं नॉन मेटल, वो ब्रिटल नेचर के होते हैं, ठीक है। ब्रिटल समझते हैं, मतलब ये टूट जाते हैं, ये मुड़ेंगे नहीं, ये सीधे टूट जाएंगे, ठीक है। जैसे मेटल में कुछ एग्जांपल क्या हैं आप लोग पढ़ते हैं, आयरन पढ़ते हैं, ठीक है, कॉपर पढ़ते हैं, सिल्वर पढ़ते हैं, ठीक है, सिल्वर पढ़ते हैं, सोना पढ़ते हैं, गोल्ड पढ़ते हैं, ठीक है, सब मेटल हैं। नॉन मेटल में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, सारी इनर्ट गैसेस आ जाएंगी, ठीक है, इनर्ट गैसेस आ जाएंगी, चीनी मिट्टी आ जाएगी, ठीक है, चीनी मिट्टी आ जाएगी, कोरंडम आ जाएगा, चौक आ जाएगा, कैल्साइट आ जाएगा, अवरक आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लिस्ट भरी पड़ी है। और ख़ासतौर से जो इंडस्ट्रियल मिनरल्स हैं, इंडस्ट्रियल मिनरल्स वो ज़्यादा, वो क्या हैं, वो सारे के सारे लगभग अधात्विक हैं, नॉन मेटल हैं। और ये सब जो अवरक, फेल्साइट, जिप्सम, डायस्पोर, क्या हैं, इंडस्ट्रियल मिनरल्स हैं। तो इनको आँख बंद करके क्या मार देना है, अधात्विक मार देना है, नॉन मेटल मार देना, तो सब नॉन मेटल हैं, सब नॉन मेटल हैं, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए 74 देखिए, 74 में क्या है, यहाँ पे पढ़िए, आइस इज लेस डेंस देन लिक्विड वाटर। देखो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंस कोई चीज़ डेंस है, कम डेंस है, ज़्यादा डेंस है, इससे क्या समझते हैं? जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, मैं कुछ पार्टिकल यहाँ पे बना रहा हूँ डॉट डॉट करके, ठीक है, दो फिगर में बनाया, एक एक मटेरियल है, दूसरा मटेरियल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, मुझे दोनों एक जैसे बनाना चाहिए, रुको एक मिनट, मैं दोबारा एक जैसे बनाता हूँ। देखिए एक मटेरियल ए है, एक मटेरियल ए बी है, बी में हमने कुछ पार्टिकल डॉट डॉट करके बनाए हैं, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, मटेरियल ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं मैंने डॉट डॉट करके बना दिए, और बी के भी मॉलिक्यूल्स डॉट डॉट करके बना दिए। अब इसमें बताइए, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिस्टेंस आपस में क्या है, कम है, मतलब ये बहुत नज़दीक नज़दीक में, बहुत पास पास में ये सब बैठे हुए हैं, इसका मतलब है ये ज़्यादा डेंस है, ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा है, और इसमें डेंसिटी कम है क्योंकि यहाँ पे दूर दूर बैठे हुए हैं, यहाँ पे डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ये कम डेंस है, यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है।
लेकिन जब भी जैसे ही पानी की बात आए तो बिल्कुल सतर्क हो जाना है, क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टी 4 डिग्री सेल्सियस पे बिल्कुल उल्टा काम करती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिलहाल वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये भी ये जो लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर की डेंसिटी तरल जल की तुलना में बर्फ़ का घनत्व कम होता है, ये पॉइंट ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? कारण उन्होंने लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड का उन्मुखीकरण, यानी ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कॉजेस मॉलिक्यूल्स टू पुश फार्दर अपार्ट। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं दूर दूर हो जा रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का जो ओरिएंटेशन है उसमें क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्टेंस में हैं, यानी डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक बर्फ़ की। तो एक कारण भी सही है, वो कथन भी सही है, एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, ठीक है आगे बढ़ें। चलिए 75 बेसिक से क्वेश्चन, कई बार पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, UPPCS का ये पैट क्वेश्चन है। केंद्रीय औषधीय और सुगंध पौधा संस्थान मुख्यालय, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट, इसको CMAP के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी ऐसे लिख के आता है CMAP। CMAP संस्था जो है वो कहाँ पर है, लखनऊ मार देना, LKO लखनऊ मार देना, ये CMAP ही है, ठीक है, CIMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ठीक है। तो CMAP जाने गए कहाँ पर, लखनऊ में। चलिए 76 देखिए, चलिए 76 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। पढ़े होंगे आर्थ्रोपोडा, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्थ्रोपोडा की प्रजातियाँ इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर सबसे ज़्यादा हैं, लगभग 80% प्रजातियाँ आर्थ्रोपोडा की हैं, बहुत खतरनाक फैक्ट है ना। आर्थ्रोपोडा समझते हैं ना, इसमें वो सब आते हैं कीट पतंगे वगैरह, और वही बिच्छू मकड़ी, ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने कई बार डिस्कस भी किए हैं। आर्थ्रोपोडा को 3 भागों में बांटा जाता है ना, पहला भाग क्या है, इंसेक्ट का, कीड़ों का, ठीक है, कीट का, दूसरा कौन सा है, क्रिस्टेशियंस है, हमने इसको भी पढ़ा था, क्रिस्टेशियंस, और तीसरा तीसरा कौन सा है, आर्किड, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था। आर्किड में बहुत सब आते हैं जिनके 8 पाँव होते हैं, याद आ रहा, 8 पाँव, जैसे मकड़ी, जिस मकड़ी किस संघ में आती है, आर्किड में, आर्थ्रोपोडा के आर्किड संघ में, आर्किड उपग्रुप में आती है, ठीक, बिच्छू मकड़ी ये सब आर्किड ग्रुप में, क्योंकि 8 पाँव होते हैं इनके, 8 पैर होते हैं, 4 जोड़ी पाँव होते हैं। और कीट कब बोला जाता है किसी को, इंसेक्ट और आर्किड में पहचान कैसे है, इंसेक्ट में 6 पैर होते हैं, ठीक है, इंसेक्टों के 6 पैर होते हैं और आर्किड के 8 पैर होते हैं, इसलिए मकड़ी कीट नहीं है, आर्किड है, मकड़ी के 8 पाँव होते हैं, और जो टिड्डा है, टिड्डा के 6 पाँव होते हैं, इसलिए वो इंसेक्ट है, कीड़ा है, ठीक। तो आंसर बी हो गया। चलिए 77 देखिए, 77 है, वेदों की प्राचीनतम लिखित पांडुलिपि, पांडुलिपि यानी मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, का समय जो है वो कौन सा है, 10वीं और 11वीं शताब्दी ईसवी, ठीक है, CE ईसवी, ईसा पूर्व नहीं, ईसवी। तो वेद कितने हैं हमारे, वेद तो हमने 4 पढ़े हैं, 4 वेद होते हैं, जिसमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, ठीक है। अब इस शताब्दी 10वीं 11वीं शताब्दी से पहले क्या है, मतलब ये जो ऋग्वेद के जो सिद्धांत थे, प्रिंसिपल्स थे, वो ओरली ओरली ट्रांसफ़र होते थे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मौखिक रूप से ही बताते थे, है ना, लिखना लिखना तो फिर बाद में शुरू हुआ, ठीक है। तो याद रखना है, ये इसका सी ऑप्शन है, ठीक। 78 देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये भी आसान है, कई बार इसको भी आप लोगों ने किया होगा, किसी एक को पकड़ लीजिए, आपको यदि एक भी आता होगा तो आपका काम बन जाएगा। तारीख अल हिंद, तारीख अल हिंद किसकी थी, अलबरूनी साहब की थी, अलबरूनी, तो C का 4 मार दो, तो खैर C का 4 तो 2 ऑप्शन में, फिर भी 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट हुए। तबाकत नसीरी, ये सिराज साहब की थी, ठीक है, सिराज साहब की थी, D का 3, आंसर बी हो जाएगा, ठीक। बाकी मिला लो, 1 अबन यानी तारीख मुबारक शाही किसे, बिनाइमा साहब की थी, मिफ्ताउल फतू, फतू जो है अमीर खुसरो साहब की थी, और तारीख अल हिंद ये तो कई बार हम लोग पढ़ते रहते हैं, अलबरूनी साहब की, और नसीरी भी इंपॉर्टेंट है, और ये मिनहाज उस सिराज साहब की थी, ठीक, आंसर बी हो गया। चलिए आगे बढ़ें, 79 देखिए, 1947 के पूर्व कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान पर नहीं आयोजित किया गया था। अब आप ध्यान से देखिए और देखिए कहाँ पे, किस कहाँ पे अधिवेशन आपने नहीं पढ़ा, आगरा का कभी पढ़े हो, नहीं पढ़े होगे, लखनऊ का तो बहुत फेमस है ही, 1916 वाला AC मजूमदार का, ठीक है, चेयरमैनशिप किसने की थी, AC मजूमदार साहब, मजूमदार साहब, ठीक है। कानपुर का पता ही होगा, 1925 सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू इसमें चेयरमैनशिप की थी कांग्रेस अधिवेशन का, ठीक है, सरोजनी नायडू।
मेरठ का था 1946 में, ये जेवी कृपलानी साहब थे, जेवी कृपलानी साहब, आगरा में नहीं हुआ, ठीक है, आगरा में नहीं हुआ था 1947 से पहले। चलिए आगे बढ़े, देखिए 80, देखिए निम्नलिखित में से किसे ठगी कूपर था, ठगी क्या था, ठगी मीनस, ठगी कूपर था को समाप्त करने हेतु चलाएगा अभियान का प्रमुख नियुक्त किसे किया गया था। विलियम स्लीमैन का नाम याद आ रहा, विलियम स्लीमैन, जब भी ठगी का नाम आता है हिस्ट्री में स्लीमैन साहब का नाम जरूर आता है। जो ठगी कुप्रथा थी इसको किसने इराडिक्ट किया था, स्लीमैन साहब, स्लीमैन साहब ने, ठीक है, विलियम स्लीमैन साहब, और इनको अपॉइंट किसने किया था, अपॉइंट किया था विलियम बेंटिक साहब ने, ठीक है, विलियम बेंटिक साहब ने। बेंटिक के समय का कौन था, बेंटिक, बेंटिक के समय का बताइए, राजा राम मोहन रॉय साहब, इन्हीं के साथ तो मिलकर सती प्रथा पे काम किया था इन्होंने। 1928 में कौन सा सभा का स्थापना हुई थी, ब्रह्म समाज का, ठीक है, और 1933 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक, ये आज के 80 क्वेश्चन हो गए, कल 81 से 120 करेंगे। ठीक, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।